चीफ मिनिस्टर्स बदले, करीब करीब पुराने लीडिंग ऑफिसर तो सारे के सारे रिटायर्ड हो गए। जो 2001 में पहली बार गुजरात आए होंगे ऐसे अफसर आज गुजरात संभाल रहे हैं, सीनियर हो गए हैं। समय बदला लेकिन एक चीज नहीं बदली, हर बार वाइब्रेंट गुजरात सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचता रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने प्रोसेस को संस्थागत बना दिया। इस सफलता की जो कंसिस्टेंसी है उसके लिए यही ताकत इसका आधार है। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी वैसे ही बल दिया। कहां कभी टैगोर हॉल में कार्यक्रम होता था, फिर कभी यहां साइंस सिटी में ही तंबू लगा करके कार्यक्रम किया था और आज महात्मा मंदिर बन गया। साथियों, जिस भावना के साथ हमने वाइब्रेंट गुजरात समिट को आगे बढ़ाया, वैसा आमतौर पर हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलता है। हम ये समिट करते थे तो गुजरात में, लेकिन हम इसके जरिए हर राज्य को लाभ पहुंचाना चाहते थे। बहुत कम लोग हैं जो हमारी सोच को आज भी समझ पाए हो, वो अपने एक दायरे में सिकुड़ करके बैठे हुए हैं। एक गुजरात का मुख्यमंत्री उस समय देश के मुख्यमंत्रियों को आग्रह करता था कि समिट हो रही है, आप भी अपना झंडा गाड़िए, आप भी अपना स्टॉल लगाइए, आप भी सेमिनार कीजिए। वाइब्रेंट गुजरात समिट में दूसरे राज्यों को भी शामिल होने के लिए अवसर दिया जाता था। हमने राज्यों को इनवाइट किया था, आप भी आइए, अपनी शक्ति इसमें लगाइए, फायदा उठाइए। हमने स्टेट सेमिनार का आयोजन किया जिसमें कई राज्य आते थे, और वाइब्रेंट समिट के दरमियान कहीं पर उड़ीसा का समिट चल रहा है, कहीं तेलुगु समिट चल रहा है, कहीं पर हरियाणा जम्मू कश्मीर का समिट चल रहा है। इसके अलावा गुजरात में आयुर्वेद का एक पूरे देश का समिट, प्रोग्रेसिव फार्मर्स का एक बहुत बड़ा समिट, ऑल इंडिया लॉयर समिट, ऐसे भांति भांति के वर्टिकल्स, इसका भी ताना बाना हम लगातार बनाते जाते। हम गुजरात का विकास भी नेशनल विजन के तहत कर रहे थे। साथियों, 20वीं शताब्दी में हमारा गुजरात, हमारी पहचान क्या थी? हम एक ट्रेडर स्टेट के रूप में जाने जाते थे। एक जगह से लेते थे, दूसरी जगह पे देते थे, बीच में जो भी दलाली मिले उसे गुजारा करते थे, ये हमारी छवि थी। लेकिन 20वीं सदी की उस छवि को छोड़कर के 21वीं सदी में गुजरात ट्रेड के साथ एक एग्रीकल्चर पावर हाउस बना, एक फाइनेंशियल हब बना और एक इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के रूप में उसकी एक नई पहचान बन गई। इसके अलावा गुजरात की ट्रेड बेस्ड रेप्यूटेशन भी काफी मजबूत हुई। इन सभी के पीछे वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजनों की सफलता है, जो आइडिया, इनोवेशन और इंडस्ट्रीज के इंक्यूबेटर की तरह काम कर रहा है। हमारे पास पिछले 20 वर्षों के हजारों सक्सेस स्टोरीज और केस स्टडीज है। इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग और एफिशिएंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन से यह संभव हो सकता है। टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड बन रहा है। बीते 2 दशकों में हम अलग अलग सेक्टर्स में नए मुकाम तक पहुंचे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2001 की तुलना में हमारा निवेश करीब 9 गुना बढ़ा है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 12 गुना बढ़ोतरी हुई है। केमिकल सेक्टर में गुजरात देश और दुनिया की तमाम कंपनियों की पसंद बन गया है। आज भारत की डाइस
एंड इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात का योगदान करीब 75% है। एग्रो और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री निवेश में गुजरात का हिस्सा देश में सबसे अधिक है। आज गुजरात में 30,000 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स काम कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर में गुजरात एक इनोवेशन ड्रिवन, नॉलेज फोकस फार्मा इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है। मेडिकल डिवाइसेज मैन्युफैक्चरिंग में 50% से ज्यादा और कार्डियक स्टेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में करीब 80% हिस्सा गुजरात का ही है। जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में तो गुजरात की सफलता अद्भुत है। पूरी दुनिया के प्रोसेस डायमंड्स का 70% से ज्यादा हिस्सा गुजरात का है। भारत के डायमंड एक्सपोर्ट्स में गुजरात का योगदान 80% है। सिरामिक सेक्टर की बात करें तो गुजरात का मोरबी क्षेत्र अकेले ही देश के सिरामिक मार्केट में 90% शेयर रखता है। यहीं पर सिरामिक टाइल्स, सैनिटरी वेयर और अलग अलग सिरामिक प्रोडक्ट्स की करीब 10,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। गुजरात भारत में टॉप एक्सपोर्टर भी है। पिछले साल राज्य ने करीब 2 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। आने वाले समय में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा सेक्टर होगा। साथियों, हमने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की तो हमारा इंटेंशन था कि राज्य देश की तरक्की का ग्रोथ इंजन बने। समझ आया मैं क्या कर रहा हूं? जब हम यहां काम कर रहे थे तब हमारी कल्पना थी, हमारी सोच थी कि गुजरात देश का ग्रोथ इंजन बने। चलिए, थोड़े लोगों को समझ आया। देश ने इस कल्पना को हकीकत बनते देखा है। 2014 में जब हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया तो हमारा लक्ष्य भी विस्तार हुआ और हमारा लक्ष्य था कि भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बने।